जिसके सुबह प्रातःकाल जगने पर अयोध्या में 7 पर्दों का गवाक्ष खोला जाता था ताकि भगवान भुवन भास्कर इन पलकों पर प्रणाम की पहली किरण धीमे से रख सकें, ये वो चरण है। इसलिए भरत का सिर धन्य है कि उसने इन पवित्र चरणों में अपना सिर धरा। लेकिन ये सिर भी छोटा मोटा सिर नहीं है, ये सिर वो सिर है जिस पर त्रैलोक्य का राजमुकुट रखा जाना था और उसने राजमुकुट उतार कर अपने भाई की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख ली थी, वो सिर है। ये अगर आपने दीक्षित जी पढ़ा दिया तो मैं दावा करता हूं कि आपके बच्चों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये हमारे छतरपुर के कर्मचारी हैं दीक्षित जी, मेरे 2 छोटे बेटे हैं। एक बार दोनों को आपस में घनघोर लड़ते देखकर राम और उनके भाइयों से चित्रण से समझाने का प्रयास किया तो सफल भी हुआ। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी से सृजित थैनोस, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, बॉलीवुड के रॉकी ब्रदर्स, सलार कौन है भाई, मूवी है अच्छा, सलार जैसे नकली हीरो से प्रभावित होकर अनुसरण करने वाली पीढ़ी को दुनिया के हम सबके असली हीरो राम की तरफ कैसे मोड़ा जाए मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। अब देखो क्या है कि फिल्मों से अगर बच्चे प्रभावित होने लगे आपके, तो बच्चों का दोष नहीं है, आपका दोष है कि आपने फिल्मों से ज्यादा राम कथा नहीं सुनवाई उन्हें, वरना तो सब ठीक हो जाता। आप फिल्मों से अधिक उन्हें अपने अपने राम की वीडियो सुनवा दो, आप फिल्मों से अधिक उन्हें अपने अपने राम के सत्र में ले आओ, किसी भी साधु सत्संग में ले आओ, वो समझ जाएंगे। क्योंकि तब उनकी समझ में आएगा कि हैरी पॉटर हीरो नहीं है, पुरुषार्थ से जीने वाले राम हीरो हैं। राम के जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, राम ने आकाश में हाथ घुमाकर कोई चीज पैदा नहीं की है, राम ने यूं छू मंत्र पढ़ के समुद्र के ऊपर पुल नहीं बनाया है, 3 दिन तक प्रतीक्षा की है, उपासना की है, समुद्र से मार्ग मांगा है, उसके बाद समुद्र को समझाया है, धमकी देकर मारा नहीं है। विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए प्रीत। और उस समय मारा नहीं है, भगवान को क्रोध नहीं आया, नकली क्रोध आया है, क्योंकि पिता अपने बच्चों पर असली क्रोध नहीं करते। ये माएं बैठी हैं दिन में 100 बार अपने लड़के से कहती हैं मर जा उत्ते, मरने के लिए थोड़ी कहती है, जरा सी चोट लग जाए तो कलेजा टूट जाता है, ए नाश जा तेरा, हमारी दादी बोलती थी, थोड़ी चाहती थी मेरा नाश हो, प्रेम से बोलती थी। इसलिए वो तो पुत्र है, पंच तत्वों में एक है जल, और भगवान पंच तत्वों के स्वामी है, इसलिए डराते हैं मारते नहीं है। जब आपको मारना होता है तो हथियार किससे मंगाते नहीं है, आप हाथ में उठा के मार देते हैं, और जब मारना नहीं होता तो क्या कहते हैं, लइए जरा डंडा, अरे अभी बताऊं, ऐसे बोलते हैं। भगवान क्या कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन लानू, अरे लइए जरा लक्ष्मण, सोखो वारिद बिशक कृसानू, अभी सोखता हूं इसे। अच्छा चलो ये भी मान लेते कि बाण मंगाया तुरंत ही सोख, उसके बाद भगवान ज्ञान देने लगते हैं कि ये मान नहीं रहा है। सटसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बिखानी, इतना सारा ज्ञान देते हैं। अगर आपने उसे राम की कहानी सुनाई होती तो उसकी समझ में आ जाता कि हैरी पॉटर कोई पुरुषार्थी नहीं है, राम में पुरुषार्थ है। एक वलकल पहनकर निकला हुआ एक निर्वासित राजकुमार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना को उसके घर में घुस के मार के आता है, ये पुरुषार्थ है। हथियार भी कैसे, जंगल से लिए हुए, राम के अंदर कोई चमत्कार नहीं, उन्होंने मनुष्यों की तरह जीवन जीकर हमें बताया कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। हैरी पॉटर में क्या पुरुषार्थ है जी, मैंने भी देखी है वो फिल्म, षड्यंत्र है हैरी पॉटर, ये सब कहानी जो भारत में परोसी जा रही है पुरुषार्थहीन कहानियां हैं। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो तुम, मैं 70 के दशक की पैदाइश हूं, मैंने अपने बचपन में आरुणी पढ़ा, मैंने धौम्य पढ़ा, मैंने नचिकेता पढ़ा, मैंने प्रहलाद पढ़ा, मैंने ध्रुव पढ़ा, मैंने महाराणा प्रताप पढ़े, मैंने झांसी की रानी पढ़ी, और मैंने वो छत्रसाल पढ़ा कि बेतवा नदी का युद्ध याद अकबर को जब आ जाता था, सुनते हैं सोते सोते अकबर महलों में जग जाता था, मैंने वो पढ़ा यहीं से प्रकाश भैया की कविता से, हमने छत्रसाल पढ़ा, हमने बहन को दिए गए भरोसे पर खरा उतरने के लिए मरने के बाद दोबारा जन्म लेने वाले हरदौल की कहानी सुनी। आप अपने पोते को क्या पढ़ा रही हो जी, अभी एक बेटी आई थी बैठी होगी, उसने मुझसे कहा कि
आपसे मिलना था गुरुजी, जब मैं गर्भावस्था में थी तो मैंने पूरे समय 9 महीने आपके वीडियो देखे, यहाँ कहीं बैठी होगी बिटिया, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि आराम से प्रसूते हुई और बच्चा अत्यंत आनंदपूर्वक शांत बालक है, ज्यादा परेशान नहीं करता, बहुत आनंद में है। हमारे सबके घरों में रामचरितमानस सुनाई जाती थी, सामने कन्हैया जी का चित्र लगा रहता था, तो कन्हैया जैसे बच्चे पैदा होते थे। अब दिन भर एमटीवी सुन रही है, दिन भर कुछ और देख रही है, तो बालक भी ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। हैरी पॉटर में क्या पुरुषार्थ है? एक लड़का है पगला सा, वो किसी स्कूल में पढ़ने जाता है, वहां उसे एक जादुई झाड़ू मिल जाती है, उस झाड़ू को वो टांग के नीचे फंसा के उड़ता फिरता है, ही तो है। ये झाड़ू टांग के पीछे लगा के उड़ाने में क्या पुरुषार्थ है? झाड़ू लेके उड़ने में, हमने भी उड़ाया था एक झाड़ू लेके, उसमें क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ उसको, क्या पुरुषार्थ है? लेकिन कहानी अगर सुनाई होती राम की, भरत की, शत्रुघ्न की, लक्ष्मण की, तो पंडित जी दीक्षित जी अपने बच्चों को रोज ये कहानी सुनाओ, अपने बच्चों को रोज महाभारत सुनाओ कि अगर भाई के लिए 5 गांव देने में भी कलेजा फटेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। क्या कहने गए थे? शांति मांगने गए थे, हैं? तो दे दो हमको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने सला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये सिखाओ उसे। क्या कहता है दुर्योधन? सुचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः। हे केशव, महाभारत में कहता है सुई के आगे के भाग की भूमि नहीं दूंगा। दिल्ली में 1 करोड़पति परिवार था, नाम नहीं लेना चाहिए, संकेत से समझिए, नोएडा गुड़गांव के आसपास की सारी जमीनें उनकी थी, कम से कम 1-2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर का व्यापार था। छोटे भाई को एक फार्म हाउस पसंद था जो 40-50 करोड़ का होगा। दोनों भाई उसके समझौते के लिए बैठे थे फार्म हाउस में, ज्यादा तू तू मैं हुई तो छोटे भाई ने रिवॉल्वर निकाल ली, बड़े भाई के अंगरक्षकों ने छोटे को गोली मार दी, छोटे के अंगरक्षकों ने बड़े को गोली मार दी। टीवी में देखा टाटा 407 में 1 लाख करोड़ के दोनों पड़े हुए थे। मैंने कहा इन्होंने बिल्डिंगें बनाई, इन्होंने अपार्टमेंट बनाए, लेकिन ये किसी मंदिर में जाकर राम की कहानी ना सुन के आए, वरना यहां ना पड़े होते, एक दूसरे को दे रहे हो। छोटा भाई 50 एकड़ का फार्म हाउस मांग रहा था और बड़े भाई ने गोली निकाल ली। अगर राम की कहानी सुनी होती तो कहती कैसी बात करता है, ये 50 एकड़ छोड़, पूरा सामान दे रहा, चल मैं जा रहा हूं, तू संभाल ले। और मैं दावा करता हूं कि छोटा ले नहीं पाता। वो कहता नहीं भैया मत जाइए, ये संस्कार किसने भरा? ये संस्कार मानस जी ने भरा, ये संस्कार राम की कहानी ने भरा। दीक्षित जी, आपके बच्चों में राम और लक्ष्मण का सद्भाव हो, मैं तो यही कामना कर सकता हूं। हम 4 भाई हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूं। सरस्वती की कृपा है कि लोकप्रियता थोड़ी ज्यादा है, तो मेरे भाई जो बड़े विद्वान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बड़े पदों पर हैं, लोक में उनका परिचय मेरे भाई के रूप में है। कहीं जाते तो लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास इनके भाई हैं, लेकिन जो मेरे परिवार के लोग हैं वो पता है कि परिवार में कोई मांगलिक उत्सव, वो अभी मांगलिक उत्सव था 24 तारीख को, सबसे बड़े से जो छोटे भाई हैं उनकी बिटिया की गोद भराई का कार्यक्रम था। मेरा साहस नहीं है कि अगर उनमें से कोई खड़ा हो तो मैं बैठ जाऊं, ये साहस नहीं है, और शायद इसी कारण मेरे चरित्र का भी उन्नयन है और मेरे जीवन का भी उन्नयन है। भगवान का राज्याभिषेक हो गया, अगले दिन सुबह उठ के दोनों चारों भाई गुरु वशिष्ठ जी के पैर छूने के गए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि। क्या बढ़िया जनता, इसको सब याद है। इसमें भी क्रम देखिए, माता जिसने पहले जन्म दिया, पिता जो जन्म का हेतु बना, और इस जन्म के बाद ज्ञान का जो दूसरा जन्म दिया वो गुरु ने दिया। तो माओ के पैर छूने के बाद चारों भाई वशिष्ठ जी के पैर छूने के लिए गए। सुनिए आनंद आ जाएगा आपको, मैं दावा तो नहीं करता, ये अहमन्यता हो जाएगी, लेकिन बहुधा लोगों ने ये प्रसंग ना सुना होगा, जैसे कल मिथिला का प्रसंग बहुत लोगों ने नहीं सुना था। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम अब तुम चक्रवर्ती सम्राट हो गए हो,
लक्ष्मण तुम प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हो गए हो सम्राट के, शत्रुघ्न तुम अयोध्या की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हो गए हो, भरत तुमने तो एक नवीन आदर्श स्थापित किया है, राम तुम्हारा जीवन पूरे विश्व के लिए अनुकरण का विषय बन गया है, पर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे शिष्यों को मेरी सिखाई हुई विद्या याद है कि नहीं याद है। राम ने कहा, गुरुदेव प्रयास तो पूरा है कि आपने जो सिखाया वो स्मरण रहे। वशिष्ठ ने पूछा कि परीक्षा लूं तुम चारों की? चारों शिष्यों ने कहा, जी गुरुदेव परीक्षा लीजिए। गुरुदेव ने सबसे पहले सबसे छोटे शत्रुघ्न से पूछा कि बेटा बताओ जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? शत्रुघ्न ने उत्तर दिया। लक्ष्मण से पूछा कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? लक्ष्मण ने उत्तर दिया। राम जी से पूछा कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? राम जी ने उत्तर दिया। भरत बैठे थे, उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, वो रोने लगे, और इसी रोने से वशिष्ठ ने उत्तर को ढूंढ लिया। सुनिए कि शत्रुघ्न जी से, ये भी अच्छा है कि आ गए आप, पधारिए, मैं आप ही की प्रतीक्षा में था, जो सुना रहा था वो आपको सुनना चाहिए। चारों भाइयों से गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है, तो क्या क्या उत्तर मिला बताता हूं। मेरे अत्यंत प्रिय एक और अनुज आ गए हैं, इतने स्नेहिल, इतने प्रेमी, और इतना इनके भाषा में अमृत है जो इनकी ऋषि परंपरा, इनकी गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। मुझे लोग कहते हैं कि आपने क्या कमाया, क्या छोड़ दिया, मैं कहता हूं मुझसे सौभाग्यशाली कौन जिसके आप जैसे भाई हो, जिसके आप जैसे भ्राता हो। विराज शत्रुघ्न जी से पूछा कि सबसे अनमोल क्या है? चारों भाइयों से गुरु वशिष्ठ ने सवाल पूछा राज्याभिषेक के बाद कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीर ताई के समान भला और क्या, बोले वीर ताई के समान भला और क्या, बोले वीर ताई के समान भला और क्या। जो अयोध्या की सेनाओं का सेनापति हो उसके लिए तो वीरता ही सबसे बड़ी चीज है। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीर ताई के समान भला और क्या, बोले वीर ताई के समान भला और क्या, बोले वीर ताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, अब इनकी बारी आई, राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से, भरत के नयनों, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, शब्द नहीं सिर्फ आंसू, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। समझो, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीर ताई के समान भला और क्या, वीर ताई के समान। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, 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 दुनिया में
बोलो भरत लाल की जय। तो दीक्षित जी आपके बच्चे देख रहे हैं, हैरी पॉटर आपके बच्चे देख रहे हैं जो आपने लिखी है फिल्में, मैं तो पढ़ भी नहीं पाया कौन सी फिल्म लिख के भेजी है। तो भैया उनमें झगड़ा होगा ही, उन्हें मानस सुनाओगे कि जहां विश्व के एकमात्र उदाहरण है, दो प्रकार की संस्कृतियां साहब मुझे क्षमा करेंगे कहते हो, एक संस्कृति है जो सत्ता के लिए अपने पिता को बंद कर देती है और आधी मटकी पानी और एक रकाबी शोरा और दो चपातियां देती है जिसे औरंगजेब कहा जाता है। जब उसने शाहजहां को बंद करा तो शाहजहां शायर था फारसी का, उसने अपनी बेटी जहां आरा से कहा कि अपने भाई से कहो गर्मी बहुत हो रही है, ये मटकी थोड़ी आधी टूटी हुई है, अगर पूरी मटकी पानी दे दिया करे तो जरा मेरे दिन ठीक गुजर जाएंगे। जहां आरा ने कहा कि भैया अब्बा हुजूर चाहते हैं कि मटकी में पानी ज्यादा हो, झुंझलाए हुए औरंगजेब ने कहा उनसे कहो तमीज में रहें, मैं जिंदा छोड़े हुए हूं ये बड़ी बात है, जितना पानी मिल रहा है पी लें। एक चिट्ठी फारसी में एक रुबाई लिखकर भेजी शाहजहां ने अपने बेटे को, ए पिसर तू अजब मुसलमानी बापिदरे आप जिंदा तरसानी। हिंदी में बता देता हूं, आप अपनी संस्कृति पर गदगद हो जाएंगे, जय घोष गूंजेगा यहां। लिखा बेटा तू और मैं अजब प्रकार के इस्लाम मानने वाले आए, जो इस देश में तो आए लेकिन इस देश को ना समझ पाए, एक तू है जिंदा आप तरसानी। पिसर माने बेटे, ए बेटे तू अजब मुसलमानी बबिंदा आप तरसानी, जो अपने जिंदा पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। और एक ये भारतीय हैं जिन पर हम राज्य करते हैं, ये अपने दिवंगत पूर्वजों को भी महीने भर पानी पिलाते हैं श्राद्ध में, हम दोनों भैया। ये संस्कृतियों का विभेद है, यह वैचारिकी का विभेद है, सत्ताओं से देश नहीं बनते, संस्कृतियों के पुनर्निरीक्षण से, उनके रक्षण से देश बनते हैं। लोग पूछते हैं ना कि इन मठों मंदिरों इन कथावाचकों का क्या योगदान है, नेता अक्सर पूछते हैं कि यहां बैठे कई नेता बुरा ना मान जाए कि साहब इनका क्या योगदान है। तुम ईंट मिट्टी से संविधान की मान्यताओं से नियमों से कानूनों से किसी राष्ट्र का शरीर बना सकते हो, लेकिन उस राष्ट्र की सात्विक आत्मा का निर्माण तो साधु करता है, संत करता है, मठ करता है, तीर्थ करता है। दीक्षित जी आप पूछते हैं कि आप अपने दोनों बच्चों के बीच का संघर्ष कैसे टालें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ाइए। इस श्लोक को मैंने आज से 5-6 वर्ष पहले रात्रि में 3 बजे पढ़ा तो आपकी भाभी जाग गई, वो सुबह उठती हैं 5 बजे पूजा करने के लिए, उन्होंने मुझसे कहा क्या हो गया, उन्हें लगा मुझको कोई समस्या हो गई, चूंकि मैं हिचकियों से रो रहा था, मैं वाल्मीकि रामायण बंद करता था फिर रोता था फिर रोता था फिर पढ़ता था। मैंने कहा कुछ नहीं तुम सो जाओ सुबह समझाऊंगा। राज्याभिषेक राम जी का हो गया, भरतलाल जी सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि 14 वर्ष आपने मेरी बड़ी सहायता की, सेनापति को धन्यवाद दे रहे हैं, शत्रुघ्न को धन्यवाद दे रहे हैं कि बेटा तू छोटा है पर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं तू ही मेरे पास रहा, गुरु वशिष्ठ को चरण छू रहे हैं, माओ के पैर छू रहे हैं, कैकेयी के पास पहुंचे तो ठिठके तो राम जी ने आंख तरेरी के सबसे पहले यहां लेट वहां लेटे हैं। अब एक दृश्य आता है, आप भी रो पड़ेंगे बागेश्वर वालों, एक दृश्य आता है जहां वे माता सीता के सामने पहुंचते हैं। अब जटाओं से लिपटा हुआ शीश है और भारतेश्वरी माता सीता बैठी हुई हैं, उनके चरणों में भरतलाल अपना माथा रख देते हैं। कवि लिखता है, महाकवि लिखता है, कवियों का कवि लिखता है, जिसकी आदि कविता में वाणी कल्याणी ने प्रवाह पाया, जिसके कारण मुझ जैसा सामान्य शठ मूर्ख एक सामान्य गृहस्थ अपनी बात कहने के योग्य हुआ इन लाखों हजारों लोगों में, वो मेरा बाबा मेरा भगवान लिखता है कि इस सिर ने पैर को और पैर ने सिर को, दोनों ने एक दूसरे को धन्य किया, लंकेश्वर प्रणति भंग दृढ़ व्रतम तद्वन दम युगम, और अंत में लिखता अन्योन्य पावन मभूत भूवत समेत, दोनों ने एक दूसरे को पावन किया। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि अगर देवर ने अपनी भाभी के चरणों में शीश रखा तो ये कोई नई बात नहीं है, भाभी तो मां होती है, इसलिए ये शीश धन्य हुआ तो ठीक है, क्योंकि ये चरण कोई सामान्य चरण नहीं है, ये चरण वो हैं जो कालांतर में भारत का आचरण बन गए हैं, ये सीता के चरण हैं, ये चरण सामान्य चरण नहीं है,
ये मिथिलेश नंदिनी के वो चरण हैं कि जिनके चरणों में जब वो अपने बाग में चलती थी तो नव पल्लव और कोपल बिछाई जाती थी। ये वो दृष्टि है जिसके सुबह प्रातःकाल जगने पर अयोध्या में सात पर्दों का गवाक्ष खोला जाता था ताकि भगवान भुवन भास्कर इन पलकों पर प्रणाम की पहली किरण धीमे से रख सकें। ये वो चरण है, इसलिए भरत का सिर धन्य है कि उसने इन पवित्र चरणों में अपना सिर धरा। लेकिन अगली पंक्ति पर आपका ज्यादा कोलाहल गूंजेगा, लेकिन ये सिर भी छोटा मोटा सिर नहीं है, ये सिर वो सिर है जिस पर त्रैलोक्य का राजमुकुट रखा जाना था और उसने राजमुकुट उतार कर अपने भाई की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख ली थी। वो सिर है। ये अगर आपने दीक्षित जी पढ़ा दिया तो मैं दावा करता हूं कि आपके बच्चों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और आपके बच्चे तो छोटे हैं। मैंने जयपुर में चार दिन अपने अपने राम बोला, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों ने भेजे, एक प्रश्न आया, मैंने सोचा नाम पढ़ू ना पढ़ू संकोच में। एक सज्जन ने लिखा कि मैं 67 वर्ष का हो गया हूं, 72 साल के मेरे बड़े भैया हैं जो हिम्मतनगर गुजरात में रहते हैं, हम दोनों भाइयों का गांव की संपत्ति को लेकर 30 साल से मुकदमा चल रहा है, मेरे बेटे बहुओं ने उनको नहीं देखा, उनके बेटे बहुओं ने मुझे नहीं देखा, पर कल दो दिन आपको सुनने के बाद मैं बहुत रोया हूं, और आपका ये अपने अपने राम समाप्त होने के बाद मैं संपत्ति के सारे कागज मुकदमे के कागज लेके बहुओं को लेके बेटों को लेके हिम्मतनगर जा रहा हूं, भैया के चरणों में लेट के रोऊंगा और कागज डाल के कहूंगा भाड़ में गए कागज मुझे माफ कर दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये कहानी, यह भरत आपके घर में है तो रामायण है, और सूच्यक्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशवः कहने वाला दुर्योधन आपके घर में है तो महाभारत कोई टाल ही नहीं सकता है। सरस्वती से देवता कहते हैं कि आप ही के बुंदेलखंड में चित्रकूट में मनाने पहुंच गए हैं भरतलाल जी, राम वापस ना चल दें। सरस्वती से कहते हैं भरत की बुद्धि फेर दो जैसे मंत्रा की भेजी थी। सरस्वती कहती है क्या मजाक की बात करते हो, भरत की बुद्धि फेर दो, किसी की भी फेर दो किसकी फेर दो, मोसन कहत भरत मति फेरू लोचन सहस न सूझ सुमेरू, हजार आंखें होने के बाद भी जिसे सुबेरू ना सूझते हो, ऐसी मूर्खता की बात करते हैं। वह भरत प्रतिमा नाटकम एक बहुत सुंदर महाकवि भास की रचना है, कभी पढ़िएगा, उसमें राज्य छिन जाने के बाद नाराज लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप किस बात के अधर्म के विरोधी हो, किस बात के धर्म के प्रतिपालक को, आपके तो घर में ही अधर्म हो रहा है, आपका भाग्य छीना जा रहा है, ये कंधे पे धनुष लटकाए क्यों घूम रहे हो, परशुराम जी का दिया हुआ शारंग उठाते क्यों नहीं हो इसे। कितनी अच्छी बात कहते हैं भगवान, कहते हैं किम दोषुणेश रुचिर रुचिर हे प्रिय भरत, लक्ष्मण मैं किसको मारूं और मारकर किसे पातक लूं, अपने उस पिता को जो रघुवंश की लज्जा निभा रहा है कि जो वचन दे दिया वो पूरा किया जाएगा, अपनी उस मां को जो केवल स्त्री धन के रूप में लिए गए अपने वादों को पूरा कराने के लिए वरदान मांग रही है, और तीसरी बात महत्वपूर्ण है भगवान कहते हैं या अपने उस छोटे भाई भरत को, पाप जिसके व्यक्तित्व की सीमा के बाहर खड़ा होकर अपराधी की तरह प्रतीक्षा करता है कि भरत चले जाए तो यहां घटित हूं, मैं उस भरत को मारूं क्या। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत अब तुम राजा बना दिए गए हो, अब तुम राज्य संभाल लो, 14 वर्ष बाद अगर इच्छा है तो तुम दे देना राम को। आपको पता होगा हम प्रसाद लेते हैं, आज हमने गौशाला में प्रसाद लिया, हमने और भैया ने और सारे संगीत के साथियों ने, प्रसाद कौन सा था, पहले उस प्रसाद का भोग लगा फिर हमने प्रसाद लिया। भगवान को अमनिया भोग लगता है जो किसी और ने ना खाया हो। यह कहा भरत जी ने कि अगर जो राज्य मैंने भोग लिया और उसके बाद मैं राम जी को दूंगा तो यह प्रसाद नहीं हुआ, इस भोग के एकमात्र अधिकारी तो, इस राज्य के भोग के एकमात्र अधिकारी तो राम जी हैं, सबसे पहले प्रसाद वही ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो मैं स्वीकार करूंगा, इसलिए मैं राज्य को नहीं लेना चाहता। जिस दिन राम जी को वापस बुलाने के लिए भरतलाल गए हैं तो रात्रि में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया उन्होंने,
और सुबह जब चलने लगे तो चेहरे पे उदासी थी। तो भरद्वाज जी ने कहा कि राजन, आपके मुखमंडल पर उदासी शोभा नहीं देती, आप किस लिए कष्ट में हो? भरतलाल जी ने कहा कि महर्षि, मुझे यह पता नहीं है कि भैया मुझसे नाराज हैं कि मुझसे प्रसन्न हैं। मुझे यह पता नहीं है कि मैं पहुंचूंगा तो भैया दोनों हाथों से मेरा स्वागत करेंगे या मेरा तिरस्कार करेंगे, क्योंकि मुझसे अपराध बहुत बड़ा हुआ है। और बागेश्वर धाम वालों, दुनिया में अकेले भरत हैं जो उस अपराध की सजा पा रहे हैं जो उन्होंने किया भी नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा, मुझे ये तो पता नहीं भाई, तुम सांसारिक लोग हो, तुम भाइयों का प्रेम क्या है, पर मैं इतना जानता हूं कि राम जब सुबह यहां से गए थे और पुरोहित को मैंने बुलाया था कि गंगा पार करनी है, अब पूजा अर्चना कर दो, तो भगवान ने हाथ में अक्षत ले रखा था और थाली ले रखी थी। जब तक पूजा अर्चना हो रही थी बड़े प्रसन्न मुख थे, जैसे ही पुरोहित के मुंह से निकला जम्बूद्वीपे भरत खंडे, भरत सुनते ही थाली हाथ से छूट गई और पृथ्वी पर रोने लगे, कहने लगे हाय भरत, हाय भरत, इसलिए मुझे पता नहीं कि प्रेम है कि नहीं है। अपने आंसू से, कविता का तत्व देखना आप, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, 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 हाथ में जल लिए राम रोते रहे, आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, आप आ गए उसमें केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, गाओ राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम पाव बावले के। जब मिलने पहुंचे भरत तो पैर कीचड़ में सने हुए, भाग रहे हैं। कई बार होता है, अयोध्या जी जाओ, ब्रज में जाओ तो मैं तो चप्पल नहीं पहनता हूं, तो जब तक किसी से मिलने के लिए पहुंचो, किसी आश्रम में पहुंचो, किसी साधु संत से मिलो, नीचे से सारी धोती गंदी हो जाती है। ड्रेस वाले कहते हैं सर वैनिटी वैन में आ जाओ, थोड़ा कपड़े बदल लो। अबे मैंने कहा मूर्ख हो, इस रज में भगवान लोटा है और इससे बचने की कोशिश कर रहे हो, उसे तो सिर पे लगाओ, कहां पागल है। नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ में लिसे हुए भी थे, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। भरत और राम मिलने की प्रतीक्षा में, आमने सामने 10 मीटर की दूरी। कवि कहता है, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ छुपे हुए, वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, वह व्याकुलता थी मिलने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ वही, मुनियों वाला वह चीर गिरा, बावरा चाहता था पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते थे पहले छाती से इसे लगा लूं।
रघुवीर चाहते थे छाती से पहले इसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए इससे पहले छाती से लगा लिया उसको। यह हृदय हृदय का मिलन हुआ, जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। सबने देखा अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। तो दीक्षित जी, आप अपने बच्चों को पढ़ा क्या रहे हो? अगर ये सिखा रहे हो रात के समय में चंद्रमा निकला हुआ है, पूरी अयोध्या सामने बैठी हुई है, भगवान मंच पर विराजमान हुए, सामने भरत बैठे, आप जैसे हजारों लोग, सारी अयोध्या के लोग, वो एक रात थी जो इस विश्व का इतिहास बदल सकती थी। अगर राम उस दिन लौट जाते तो जनता की इच्छाओं का पालन होता। दिल्ली में बैठे हुए मठाधीश और लखनऊ और भोपाल में बैठे हुए नेता और यहां आए हुए विधायक गण समझें कि भगवान ने एक नया आदर्श तय किया है राम जी ने। जनमत सदा सत्य नहीं होता, कई बार जनमत भी गलत होती है, लेकिन नीति सदा सत्य होती है, सत्य सदा सत्य होता है। अगर उस दिन राम लौट जाते तो जनता तो बड़ी प्रसन्न होती कि चलो कंटक कटा वापस आ गए, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मेरे और तुम्हारे पिताजी ने संविधान में संशोधन किया है। इसीलिए मैं सारे लोगों से कहता हूं कि भगवान अगर लड़कर अपने विग्रह में स्थापित हुए हैं रामचंद्र जी, तो मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसका सात्विक स्वाभिमान है कि न्याय के देवता ने न्यायालय में लड़ा के अपना न्याय लिया और आज ये मेरा छोटे भाई मेरा अनुज मथुरा से आए हैं। मैं इसी व्यासपीठ से इसी शुभकामना को आपके संकल्प के बीच दोहराता हूं कि साल नहीं बीतेगा जैसा उत्सव हमने अयोध्या में मनाया वैसा हम मथुरा में मना के मानेंगे। लेकिन सात्विकता से मनाएंगे। यह दो संस्कृतियों का अंतर है। एक कहती है कि इसमें जो लिखा है वही सत्य है, इसके बाहर गए तो सरतन से जुदा मार देंगे। एक हमारी संस्कृति है, ये किताब आई है सनातन धर्म क्या है मेरे छोटे भैया की, सबको पढ़नी चाहिए, बड़ी सरल है, मैंने भी पढ़ी। लेकिन इस किताब में भी 5 दोष जो मुझे दिखेंगे वो लिख के मैं फोन करूंगा कि भैया ये छूट गया, अगले संस्करण में ठीक कर लेना, और वो मानेंगे। ये कहां से आया है? ये परंपरा इस संस्कृति से आई है जहां आद्य शंकराचार्य विश्व की सबसे बड़ी तेजस्वी विभूति दक्षिण से चली और महेश्वर में मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। मंडन मिश्र का क्या जलवा था, शंकराचार्य जी महेश्वर पहुंचे और किसी पनगट पे पनिहारिन से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है, तो पनिहारिन ने कहा जिस द्वारे पर तोता और मैना संस्कृत भाषा में द्वैत अद्वैत का शास्त्रार्थ करते मिले वो महारथी मंडन मिश्र का घर है, इतना बड़ा महारथी था। अड़तालीस प्रहर शास्त्रार्थ चला भगवान। अब दो विद्वान टकराए तो शास्त्रार्थ का रेफरी कौन बने? ये जवान लड़के जो आए, जस साहब आए आज मिले थे, जस साहब मुझे माफ करना, सम्मान मत भेज देना इस बात पे, पहले ही बहुत मुकदमे मेरे ऊपर। हमको बताया गया कि इटली में 1878 में एक महिला हुई लिंडा पोइट, वो पहली महिला वकील थी, इससे पहले स्त्रियों ने वकालत नहीं करी, इससे पहले स्त्रियां, तुम पढ़ते विदेश से हो इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। 1800 साल पहले इसी पृथ्वी पर दो विद्वानों ने तय किया कि कौन जज बनेगा, तो मंडन मिश्र ने कहा आप चुन लीजिए, तो मेरे शंकराचार्य ने जज चुना मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी देवी भारती को, कहा ये जज बनेंगे। देवी भारती ने कहा कि मैं तो काम में लगी रहूंगी लेकिन चिंता मत करो, निर्णय तुम दोनों का कर दूंगी। 3 दिन तक शास्त्रार्थ चला, रात को माता सो गई, सुबह गैया का दूध निकालने के लिए उठी, देखा दोनों शास्त्रार्थ कर रहे थे, चुप बैठे हुए थे, खामोश। दोनों ने माँ की ओर देखा कि निर्णय करो, माँ ने कहा मेरा पति हारा, शंकराचार्य तुम जीते। किसी ने पूछा कि कैसे पता चला, बोले नील कमलों की मालाएं 2 बनाकर मैंने दोनों के गले में डाल दी थी, उलझे हुए तर्कों के कारण, आक्रोश के कारण, घृणा के कारण, ज्वार के कारण, जिसके हृदय में अग्नि थी
उसके कमल मुरझा गए और विचार की शीतलता के कारण जिसके तर्कों में अकाट्य सत्य था उसके कमल फूले रहे, शंकराचार्य के कमल खिले हुए, शंकराचार्य जीते हुए। जब चलने लगे तो मंडन मिश्र का नाम बदल दिया, शिष्य के रूप में स्वीकार करके आद्य शंकराचार्य ने करा सुरेश्वर मिश्र। मुझे इस वाचालता के लिए साधु संत क्षमा करेंगे, मैं धर्म का अधिकारी विद्वान नहीं हूं, अध्ययन और गुरु परंपरा में जो मिला उससे बोल रहा हूं। सुरेश्वर मिश्र ने कहा, गुरुदेव आप तो केदारनाथ जी जा रहे हैं मंदिर निर्माण करने के लिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ये केवल भारत है जिसके पास अपने अनुशूलन और पुनर्पाठ की इतनी संभावना है। कहा आद्य शंकराचार्य जी ने, हे मेरे प्रिय शिष्य सुरेश्वर, तुम मेरे आज तक के लिखे हुए पर वार्तिक लिखो। 32 वर्ष की आयु में भगवान शंकराचार्य ने जो लिख दिया है वो कोई लिख नहीं सकता है। गंगा जी के सामने खड़े हो तो भी शंकराचार्य जी याद आते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौल विहारिणी विमले मम मत रास्ता तव पद कमले। विष्णु जी को प्रणाम करो तो शंकर जी याद आते हैं, शंकर जी को प्रणाम करो तो भी शंकर जी याद आते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वही याद आता है। इतना विद्वान व्यक्ति अपने शिष्य सुरेश्वर से कहा, मुझ पर वार्तिक लिखो। यहां जो संतगण बैठे हैं, जो विद्वान बैठे हैं, वे वार्तिक का अर्थ समझते हैं, लेकिन सामान्य जनता के लिए बता रहा हूं। इस पर जय घोष करना कि तुम्हारी गुरु परंपरा कितनी सरज और सहज है, कोई अहंकार नहीं है हमें। वार्तिक का मतलब है उत्तम, जो मैंने कहा है बेटा इसकी समीक्षा कर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी 3 किताबें बेस्ट सेलर, कोई दीवाना कहता है पगली लड़की और फिर मेरी याद, मैं कहूं कि इसकी समीक्षा करो, इसमें क्या महान काम है, अपनी तारीफ करवा रहा हूं। कहते हैं उक्तम, इसकी समीक्षा कर, अनुक्तम, जो मैं नहीं कह पाया हूं बेटे उसकी समीक्षा करके, गुरु जी आप चूक गए, बड़ी बात। और करतल ध्वनि कम उठी अगली बात पर जय घोष उठ जाएगा, यह केवल साहस भारत का शंकर कर सकता है, भारत का गुरु कर सकता है, भारत की व्यासपीठ कर सकती है। कहा उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम च वार्तिक, और बेटा अगर मैंने कुछ गलत भी लिख पढ़ दिया हो तो उसकी भी समीक्षा करके, गुरु जी आपने गलत लिख दिया, ये बात भारत। राम बैठे, चंद्रमा ऊपर निकला हुआ है, ये चंद्रमा भगवान के जन्म पर बड़ा दुखी था। जब भगवान पालने में थे तो चंद्रमा बहुत नाराज था, टेढ़ा मुंह किए हुए था। उस समय की नक्षत्र गणना देख लो तो भी टेढ़ा ही दिखेगा। तो भगवान ने पालने में कहा, भी तू क्यों दुखी है, प्रकृति श्रृंगार कर रही है। उसने कहा, हमारा क्या, आप तो सूर्यवंशी हो, आपके नाम में तो सूर्य ही सूर्य है, हमारा क्या मतलब। भगवान ने कहा, दुखी मत हो, मैं सबके कल्याण के लिए आया हूं, आज से मेरा नाम कभी तेरे नाम के बिना नहीं लिया जाएगा, दुनिया मुझे रामचंद्र के नाम से जानेगी, तू भी प्रसन्न रह। गुप्त जी लिखते हैं बुंदेलखंड के, रात्रि में जनता बैठी, आनंद लीजिए इसका, कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, सब टकटकी लगाए थे पता नहीं क्या होगा, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, वह चंद्र लोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर गूढ़ निधि जैसी। एकदम भगवान बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, भैया बताओ क्यों आए, क्या चाहिए, सोचिए। जिसके कारण उनके परम प्रिय भाई को इतना कष्ट सहना पड़ा, उस भाई से भाई पूछ रहा है कि तुझे चाहिए क्या। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, भरत ने कहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मुझे और क्या चाहिए भैया, मैं तो इसी दिन के लिए पैदा हुआ था कि मेरी माँ के कारण मेरे पिता कष्ट पाकर मरे, आप इस पेड़ के नीचे बैठे रहें, भाभी के पैरों में विवाही फट जाएं, इसी दिन के लिए पैदा हुआ था। कहते हैं, मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि आपको इतना कष्ट हुआ, आज मैं इस बात के लिए परेशान हूं कि आपने मुझसे यह पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर भगवान के सामने यह तय करना पड़ा कि उसे क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, तो भगवान फिर किस काम का है। कहता है कि आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, भगवान ने क्या करा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा,
रोदन जल से सविनोद उसे फिर सींचा। और ये दो पंक्ति सुनिएगा, कहा बेटा मुझसे क्यों नाराज होता है, तेरे आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर माता भी जान न पाई जिसको। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, आप भी बोलना, सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, ऐसा भाई जिसको प्राप्त हो जाए। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, मैंने कई बार सुनाया भी है और बहुत सारे लोग इसे सुनाते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसमें अत्यंत आनंद मिलता है इसलिए मैं सुना रहा हूं, बाकी मुझे शबरी पर विशेष रूप से आज बोलना है। उस दिन भरत लाल जी को तीन चीजें देकर भेजा भगवान ने, पहली नीति कि बेटा कुछ हो जाए नीति पर चलना, दूसरी खड़ाऊं और तीसरी क्षमा। भरत के मन में अपनी मां को लेकर बड़ा क्रोध था, भगवान ने उसे क्षमा से भरकर भेजा। और कैकेयी ने जब समझाया कि बेटा तुझे याद है राम, आधी रात तू मेरा सपना देखकर दीदी के पास से उठकर आता था और दीदी कहती थी अरे ओ बावली तेरा ये ओ कोयल तेरा बच्चा जाग गया, तू वही राम है। होने पर बहुधा अर्ध रात्रि अंधेरी, जी जी या कर करती पुकार थी मेरी, लोक हुकनी अपना कुहक राम यह जागा, निज मझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। तू वही राम मैं वही के कई तेरी, होने पर बहुधा अर्ध रात्रि अंधेरी। राम क्या कहते हैं, ए अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाना, क्रोध हो जाने वाले लोगों, इस प्रसंग से दीक्षित जी ने इस बहाने याद दिलाया, यही ध्यान रखना कि अगर क्षमा इतनी बड़ी है जितनी राम में है तो तुम्हारे घर में रामायण है, और अगर समाई इतनी भी नहीं है कि पांच गांव भी नहीं दे सकते तो तुम्हारे घर की महाभारत को कोई टाल नहीं सकता, ये तय बात।